ये लॉक पैर लॉक हो जाएगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे हम लोग अंदर बहुत अंदर लॉक नहीं छोड़ पाएगा यार गोप्रो गिर जाएगा आपका भाई यार दोस्तों ऋषिकेश में सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहे हैं सुबह के और आज का प्लान है दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूं दोस्तों राफ्टिंग ये दोस्तों राफ्टिंग करने वाला हूं दोस्तों आज और 16 किलोमीटर की जो है राफ्टिंग करने वाला हूं पहली बार आया दोस्तों मेरा फर्स्ट टाइम है सो राफ्टिंग बुक करवा ली मैंने और 1000 रुपये का जो है पड़ा मुझे 16 किलोमीटर का और जो है अब ये गाड़ी लेके जाएगी अपने को जहाँ से ये राफ्टिंग करवाते हैं ठीक है जी शिवपुरी जाना यहाँ से 16 किलोमीटर है देवप्रयाग वाले रोड पे दोस्तों हम लोकेशन में पहुंच गए हैं भाई लोकेशन अल्टीमेट है बस ओके जी ओके फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी साइट पे जहां से जो है ये हमें करवाएंगे राफ्टिंग ये जी लोकेशन यहां चलेगी हमारी राफ्ट दक्षिण की ओर हेमलेट लाइफ जैकेट सब कुछ पहन के और मुझे उतारने अब शूज उतारने हैं और अब चढ़ना है राफ्ट में सॉरी और मुझे लगता है फोन भी अपना जमा हो जाएगा यहाँ पे तो मैंने गोप्रो रखा हुआ ना गोप्रो से मैं जो है ब्लॉग शूट कर लूँगा ठीक है लाइफ जैकेट पहन के टोपा लगा के अब जाएंगे पानी में हर हर महादेव रैपिड में क्या होता है जिसमें हमारी बोट अप एंड डाउन होता है गिरने के चांसेस होते हैं या हमारी बोट टापल होने के चांसेस होते हैं तो हम लोग रैपिड बोलते हैं ठीक है आप लोगों का फर्स्ट रैपिड के सामने कॉलिंग फॉर द रैपिड जिसमें हमारी बोट अप एंड डाउन होती है ठीक है सपोज दैट इनकेस अगर लगता है आपको कोई बंदा पानी में गिर चुका है या हमारी बोट टापल हो चुकी है तो आपके पास क्या होता है सेफ्टी इक्विपमेंट दे रखे हैं डस्ट लगा जैकेट हेलमेट एंड पैड तो इन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं हम लोग सपोज आप पानी में गिर जाते हो आपने जो हेलमेट पहना हुआ हेड पे ये 72 आवर्स पानी के ऊपर रखेगा आप लोगों ने घबराना नहीं है आप लोगों ने सिंपली क्या करना है जैकेट का शोल्डर पकड़ना है पीठ के ऊपर लेट करना है आप लोगों ने जो जैकेट पहनी है आप लोग इस पर आप लोग 72 आवर्स पानी के ऊपर रह सकते ठीक है आपको हेलमेट पहना हुआ हेड की सेफ्टी रखेगा एंड थर्ड चीज़ होता है आपके पास पैडल होता है या आपका रिफ्रेशमेंट होता है मेरे से पहले आपकी हेल्प कर सकता है सपोज जब आप पानी में गिर जाते हो आपके पास पैडल रहेगा तो आप किसी रॉक के पास पहुंचोगे तो आप इस रॉक को पुश कर देते हो इस पैडल के साथ देन पैडल कैसे होल्ड करना होता है प्रॉपरली 3 पैड होते हैं थर्ड सी होता है सेकंड शॉट एंड थर्ड प्लेट सर नाउ कैन होल्ड द पैडल फोर फिंगर टॉप एंड जस्ट नियर द ब्लेड कैन होल्ड द पैडल जस्ट लाइक दिस आप में से पैडल कोई बंदा ऐसा नहीं पकड़ आप पैडल ऐसे पकड़ोगे तो आप लोग रो नहीं कर पाएंगे और रो नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा बोल टॉप समझ में बोट का फ्रंट साइड और बैक साइड होता है गाड़ी में से बैठता है बैक साइड में आप लोग बैठते हैं फ्रंट साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड बैठते हैं आप जिस साइड आप बैठोगे वो वाला पैर आपका आगे जाना चाहिए सपोज अगर आप बैठो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वाला पैर आगे जाएगा आपका अगर आप बैठोगे लेफ्ट साइड में देख रहे हो क्या उसके बगल में सेकंड वाला बंदा कैसे बैठेगा प्रॉपर्ली साइड में बैठेगा तो हम कहीं जाएंगे हम लोग अंदर आ सकते पैर आपका लॉक रहेगा रो भी आप रो भी पकड़ते हो इस तरीके से ठीक है राइट वाला सेम बैठेगा राइट वाला फुट आगे लेफ्ट वाला फुट बैक साइड प्रॉपर्ली साइड साइड होकर बैठना है इस तरह इतना समझ में आया सब लोगों को बैठना किस तरीके से एंड फूड कमांड से एमरजेंसी कमांड गाड़ी को लगता है मेरी बोट किसी राउंड डायरेक्शन में जा रही है या आप में से कोई बंदा पानी में गिरने वाला है कमांड बोलूंगा गेट डाउन में क्या करना है आप रस्सी को पकड़ना है आप लोगों ने पैर को होल्ड करना है गेट डाउन देखो बोट के अंदर आना है आप लोगों ने ठीक है सो गेट बैक बहुत अंदर भाइयों बैठ चुके हैं भाई ब्लॉग नहीं छोड़ पाएगा यार गोप्रो गिर जाएगा 1 hour later रेडी Yeah, I am left!
वन टू थ्री गो। लंबी रस्सी पकड़ो, पीछे जाओ। आप छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे पकड़ो, आप ऐसे को छोड़ जाते पकड़ो, छोड़ दो मैम, छोड़ दो उसको, छोड़ो छोड़ दो उसे, इन सर का हाथ पकड़ो आप बस। मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आया। मैंने ये कैप्चर करना था, पर यार वहाँ पे क्या था कि उसमें राफ्टिंग में ना कुछ भी चलाना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था वो सारे जो है एक लिफाफे में डाल के जो है रख दिए थे। तो जो वीडियो क्लिप्स हैं दोस्तों, वो जो भाई है जिसने राफ्टिंग करवाई हमें, उसके कैमरा में जो है वो शूट हुए हैं। सो अगर उनसे मैं ले लूँ तो मैं जो है इस वीडियो में आपको डाल दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और अगर आप भी आना चाहते दोस्तों तो आप भी दोस्तों ऋषिकेश आइए और यहाँ पे राफ्टिंग करिए, आप मज़ा आएगा। दोस्तों मैंने 16 किलोमीटर की जो है राफ्टिंग करी, और इसके जो चार्जेस लगे वो लगे 1000 रुपये, 1000 रुपये चार्जेस लगे। और अभी यहाँ से जो है हमें गाड़ी में जाना तपोवन, और बहुत सुंदर जो है नज़ारा है, और गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी, ओ वाओ। और मेरे शूज़ जो हैं दोस्तों वो गाड़ी में, यार गाड़ी पता नहीं कहाँ है इनकी, तो गाड़ी में शूज़ है मेरे, तो शूज़ पहनने पड़ेंगे मुझे। और भाई कपड़े सूख भी गए, कपड़े सूख भी गए साथ साथ में।